वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमने दार्जिलिंग के साइड स्पॉट्स वाली वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि लास्ट पार्ट आपने देखा होगा, जिसके अंदर हमने तीन साइड स्पॉट्स आई गेस कवर किए थे। तो जिन्हों जिन्होंने लास्ट वीडियो ने देखी तो प्लीज़ पहले आप वो चेक कीजिए, तभी आप इस वीडियो पर आइए, वरना आपकी जो एक रिदम टूट जाएगी इस पूरे साइड स्पॉट्स को देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हैं। ये एक्चुअली जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पे, जिस मतलब कि जू भी है इसके अंदर। इसकी एंट्री फीस है 60 रुपीज़। आप सामने देख रहे होंगे कि अगर आपके पास DSLR कैमरा जैसे हमारे पास है, उसके लिए आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो चलिए अंदर मिलते हैं आपको। अब हम अंदर आ गए हैं, ये जू की मतलब एंट्रेंस की। यहाँ पर तकरीबन आपको सभी मतलब एनिमल्स मिल जाते हैं। अभी आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे काफी लंबी आगे, ये जो आवाजें आ रही हैं मेरे को लगता है किसी एनिमल की ही है। ये देखिए यहाँ पे है वो रहा, देखो नीचे आप देख रहे होंगे इसके है क्या। ये मेरे को लगता है स्टैग है शायद, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है, ये है हिमालयन टहर, जो भी आपने देखा है। जू काफी फॉगी हुई है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। हाँ ये देखिए, ये बैठे हुए हैं साइड पे। ये मेरे को लगता है बारा सिंगा शायद, वो देखिए। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं ये है मरखोर, ये देखिए ये है मरखोर। यहाँ पे क्या है अभी, ये रहा, ये देखिए कुछ खा रहा है। ये है क्या अभी बताता हूँ आपको, डियर। ये सांबर डियर, यहाँ पे कुछ और है, पहले देखते हैं है क्या। ये सभी एक ही जाति के लोग हैं। ये देखिए ये ब्लू शीप है, ब्लू लिखा तो हुआ मगर है ब्राउन। ये याक है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, हालत काफी खस्ता हुई है इनकी। ये देखिए अभी आपने जो देखा वो याक है। थोड़ी चढ़ाई है इसलिए सांस चढ़ रही है। ये क्या चीज है यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख तो कुछ नहीं, वो रहा सामने।
ये है क्या, पहले ये बताता हूँ आपको भी, हिमालयन गुराल। मेरे राइट साइड पे लेपर्डस, ये देखिए स्नो लेपर्ड सो रहा है लगता, ये देखिए नहीं, ये स्नो लेपर्ड नहीं था, कॉमन लेपर्ड है यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए। बेसिकली एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट काफ़ी अच्छा होता है। इस साइड पे लिखा हुआ बार्किंग डियर, मगर मुझे नज़र नहीं आया, ये देखिए अभी देखते हैं है यहाँ पे। अभी वो बार्किंग डियर, ये रहा ये रहा, ये देखिए हमने देखा होगा, छोटा सा दिखा आपको, ये देखिए। अभी हम हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए मतलब बोर्ड लगा हुआ है इन्होंने, ये देखिए हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को लगता है जैसे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना होता है यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। म्यूजियम भी साइड पे है, सामने देखिए, हाँ यहाँ पे सिखाते ही हैं। अभी हम माइक के, ओ माइक कह रहा हूँ, अभी हम म्यूजियम में जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करके उल्टा सीधा ही बोले जा रहे हैं हम। मैं नहीं, ये देखिए म्यूजियम का बोर्ड दिया हुआ है इस साइड पे, हाँ ऊपर से भी है, मगर हम इधर से चलते हैं। चलो म्यूजियम में देखते हैं, शूट करने देते हैं कि नहीं। ये हमने शॉर्टकट ले लिया, अच्छा किया हमने शॉर्टकट ले लिया। ये है म्यूजियम, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द म्यूजियम, हम अंदर अब फोटोग्राफी नहीं कर सकते, जो बाद में मिलते हैं आपको। जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं मेरे म्यूजियम है, उसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर ना टेंजिंग नॉर्वे है, जो उसकी जो जो भी उसने यूज़ किया था अपने एक्सपीडिशन के अंदर माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के, सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, शूज़ से लेकर मतलब कपड़े वगैरह, मग प्लेट जो भी उसने यूज़ की थी वो आपको यहाँ पे जो पीछे है यहाँ पे मिलेगी। अगर आपने मतलब देखना है तो इस जगह पे ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छी जगह, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, मस्ट विज़िट है। ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं, देखते हैं। एक्चुअली फॉग एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई, पिक्चर भी मतलब क्लियर नहीं आ रही, शायद आप देख रहे होंगे फॉग मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस राइट साइड पे मेरे को ही देखते हैं क्या चीज़ है, लेपर्ड। हाँ यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, ये देखिए ये बैठा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए।
ये देखिए साइंटिस्ट भी लेपर्ड ही है हमारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने लेपर्ड। साइंटिस्ट वेट देख रहा 68 kg, मेरा ऐसे ज़्यादा है, ये कह रहा है मैं ऐसे बड़ा लेपर्ड हूँ। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है, ये देखिए घूम रहा। ये देखिए यहाँ पे घूम रहा रॉयल बंगाल टाइगर। तो तेरी कितना बड़ा, वो देखिए साइंटिस्ट उसको बुला रहा है कि मुझे खा ले आके। वो देखिए ये देखिए रॉयल बंगाल टाइगर। सभी यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर को देखना चाहते हैं। साइंटिस्ट कहता है एक बारी पिंजरा खोल दो मैं अंदर ही घुस जाना चाहता हूँ, बस मैं लड़ लड़ लूंगा बंगाल टाइगर से। बंगाल टाइगर ने ये देखिए जा अंदर घुस जा। गोल्ड टाइगर देखने के बाद अब नीचे जा रहे हैं। फॉग देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, विजिबिलिटी तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं, ये तो बंद कर दिए, यहाँ पे पहले बर्ड्स होते थे इस साइड पे। देखते हैं क्या चीज है, वो देखिए नीचे वॉल्फ है, ठंड के कारण चक्कर लगा रही है। वो देखिए ठंड के कारण चक्कर लगाने पे लगी हुई है, साइंटिस्ट को बुला रहा है। वो देखिए ऊपर बियर बैठा हुआ है, ब्लैक बियर। रेड पांडा देखने जा रहे हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह। मेरे लेफ्ट साइड पे मतलब किस साइड पे हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रास्ता रास्ते में। कि यहाँ पे लिखा हुआ रेड पांडा, मगर दिख तो रहा नहीं कि है कहाँ पे। अबे रेड पांडा है, शक्ल तो दिखा दे भाई। साइंटिस्ट बोल रहे रेड पांडा। देखते हैं रेड पांडा है कहाँ पे, है ही नहीं, मिला ही नहीं है रेड पांडा मेरे को। होता ऊपर थोड़े बहुत बर्ड्स हैं, ये देखिए इसके अंदर क्या है, रीव्स फिजन कोई बर्ड है, वो देखो सामने दिख रहा है। ये देखिए काफी सांस चढ़ी, रिप्टाइल हाउस के अंदर आ गए हैं। रो रहा हूँ, देखिए सांप बैठा हुआ है। ये देखिए ये रहा, यहाँ पे इंडियन रेड स्नेक है, वो पीछे बैठा हुआ है। ये देखिए पाइथन, एक्चुअली लाइट इसलिए जगाई हुई है ताकि ये गर्म रहे। साइंटिस्ट ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, आप गलत काम कर रहे हो। यहाँ पे इंडियन रॉक पाइथन, ये देखिए सामने सो रहा है। ये वेकेंट जगह है, इसके इसके अंदर साइंटिस्ट को डाला जाएगा।
ये वेकेंट है। फिर टॉर्टोइज़ है, ये देखिए बहुत छोटा सा सो रहा है, खाना पड़ा हुआ इसका, ये देखिए इधर थोड़ा सा खाया अभी, बाकी अभी देखते हैं कौन खाता है। मेरे साथ में बंदा खड़ा चाहे वो खाएगा। इस साइड से हम बाहर आ गए हैं, देख सकते हैं कि ग्रे लंगूर बैठा हुआ है देखिए ऊपर। और बहुत बड़ा लंगूर मेरे साथ में घूम रहा है, ये देखिए ये कर क्या रहे हैं। मेरे को लगता है अभी रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जू में आने के बाद? मैं पहली बार जू में आया हूँ, बिकॉज मुझे तो अभी जू में आने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे जानवर हैं। बट दिस टाइम इसने मुझे बोला कि चल तेरे को जू घुमा के लेकर आता हूँ। मैं कहा चल यार देखूँ मेरे मोहल्ले से अच्छे जानवर है कि नहीं यहाँ। मगर इसके मोहल्ले वाले फेल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अच्छे जानवर हैं। बस वो सामने एंड हो गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे घूम रहा है कोई कैट वगैरह घूम रही है। वो साइंटिस्ट, वो उसने सोचा मेरी जाति का कोई बंदा आ गया, वो भी आ गया। ये देखिए तीन तीन है यहाँ पे, एक ये मेरे सामने खड़ा हुआ है और दो अंदर। तो ये थी जू, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हम नेक्स्ट स्पॉट पे आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। अभी हम चाय के गार्डन में आ गए हैं, आप देखिए कितने अच्छे हैं। जो यहाँ का अरोमा है वो काफ़ी अच्छा, मतलब आपके मज़ा आया था। चलिए देखते हैं नीचे जाके कैसा। आप इस साइड पे व्यू देखिए, मतलब कितना अच्छा, वाह मज़ेदार व्यू। ये एक्चुअली चाय की पत्तियाँ हैं जो आप सभी पीते हो, इससे ही बनती है वो। बेसिकली ये टेरेस फार्मिंग की होती है उन्होंने, उस हिसाब से की हुई है, स्टेप बाय स्टेप हुआ हुआ, काफी अच्छा मजेदार है। काफी अच्छा मतलब मजेदार व्यू। बैक साइड पे देखिए आप, बैक साइड पे मेरे साइंटिस्ट भी खड़ा हुआ है। साइंटिस्ट चाय कैसी लग रही है आपको? इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेने का दिल कर रहा है आपको स्मेल चाय यहाँ से? चाय की पत्ती ले सकते हैं क्योंकि वहाँ बाहर लिखा हुआ है कि अगर आपने एक भी पत्ती तोड़ी तो 500 रुपए का जुर्माना है। तो तुम दे देना, तुम इतने पैसे वाले आदमी हो। सरबल सिंह मेरे साथ बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, जो कि बहुत जगह पूरा इंडिया घूम चुका है इसने। ये साइंटिस्ट अब चाय की पत्तियाँ तोड़ेगा, वो एक नहीं वो भी 10-10 पूरी। हाँ तो फिर 5000 का जुर्माना मेरा दोस्त देने वाला है। मैं कुछ नहीं देने वाला, मैं इसको यहाँ से नीचे धक्का देने वाला हूँ। और साथ में मैं इसको साथ लेकर जाऊँगा अपने साथ ही। हम नीचे जाएंगे लेकिन फिर सीधे ऊपर। नहीं राम राम का नाम लो अभी। राम राम। चलिए अब देखते हैं चाय का स्वाद कैसा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम चाय पीने लगे अभी। ये चाय मतलब जैसे हमने पीछे देखा है वहीं से लेके आए हैं।
दार्जिलिंग टी। अभी हम टेंजिंग नॉर्वे हिल आ गए हैं। ये देखिए टेंजिंग रॉक, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर चढ़ सकते हैं आप। जैसा कि मैं चढ़ने वाला हूँ अभी। राहुल चढ़ने वाला है सच में। इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे राहुल को। देखिए अब ये देखिए राहुल चढ़ लो आप। सेफ्टी रहेगा वो रोप से। पक्का? हाँ वो कर ले कर ले। हाँ बना रहा हूँ चल। ये राहुल चढ़ने लगा ऊपर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं ऊपर चढ़ने का क्योंकि मैं फोर्थ टाइम आ रहा हूँ, पहले मैं चढ़ चुका हूँ। ऊपर चढ़ रहा है, डर गया है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी डरा पड़ा है बिल्कुल। गौर से देखिए इस आदमी को, अब डर गया जब ऊपर से नीचे आना है। अभी डर गया ऊपर से नीचे आने के लिए, इसका काफी बुरा हाल हो गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी इसको ऊपर से नीचे आने की टेंशन हो गई है। कोई नहीं, बस कुछ नहीं होता, ऊपर से गिरेगा नीचे, टेंशन ना ले, चढ़ता जा। चढ़ना नहीं, आगे तक चला जा। ये देखिए गौर से देखिए इसको। फंस गया है यहाँ पे। ये देखिए बच्चों जैसे काम कर रहे हैं। कैसी फीलिंग हो रही है राहुल आपको? बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ, कुछ मैंने चढ़ाई नहीं की। अभी इसको ये दे वो देखिए ये पंगे लेने के लिए इसने खुद ही चूज किया। ये देखिए कैसे उसको खींच रहे हैं। ये देखिए इसको पहुंच गया। कैसी फीलिंग आ रही है आपको ऊपर चढ़ के? बहुत डरावनी फीलिंग आ रही है। ये करने का क्या फायदा अगर ऊपर ही नहीं चढ़ पाया तू? बस बस बहुत ज्यादा चढ़ गया मैं, थोड़ा सा डरावना लगा लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये थी टेंजिंग नॉर्वे हिल, रॉक है, यहाँ पे आप क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली लास्ट स्पॉट था। हम आपने जगह को तो शायद पहचान ही लिया होगा, सेंट जोसेफ स्कूल दार्जिलिंग। अगर जिस जिस को पता है ये कौन सी जगह है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ये यारियां मूवी यहीं पे शूट हुई थी। बिल्कुल सही आपने सोचा, जिस जिसको पता लग गया सेंट जोसेफ स्कूल दार्जिलिंग। एक्चुअली हम बाहर खड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा मतलब व्यू है यहाँ पे। यारियां मूवी का सारा शूट यहीं पे हुआ तकरीबन इस मतलब कि इस जो क्या कहते हैं मेन जहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस था, कुछ सीक्वेंस यहाँ पे शॉट किया।
तो आज के यही थे स्पॉट्स जो आपने इस वीडियो में देखे हैं। तो बस अब हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए। आज आपको स्पॉट्स कैसे लगे जो हमने आपको दिखाए हैं? मतलब अच्छे स्पॉट्स हैं काफी, जो हम स्पॉट्स नहीं स्पॉट्स, हाँ स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं। टैंग कर देना वहाँ पर जहाँ जहाँ थोड़ी सी मेरी स्लिप हो रहा है, टंग स्लिप इसे कहते हैं, फंबल मारना जो कि कॉमेडी लाइन में काफी होता रहता है। बट हम लोग ने वहाँ पे गए थे ना टी गार्डन में, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि छोटा सा ही है, कुछ फोटो वगैरह क्लिक करने की जगह नहीं है, वीडियो बनाने की भी ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। बाकी सब प्लेसेस अच्छे हैं, वो हमने कहा काफ़ी अच्छे, काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या मेरे ख्याल से फुटबॉल काफ़ी अच्छा, बहुत ये स्कूल है हमारे पीछे आप देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ईट हेल्दी, लिव पीसफुली एंड थिंक वाइजली। गॉड ब्लेस।